कुमार एंड आई एम योर एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज मैं आपके लिए इस कोर्स में लेके आया हूँ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड लेवल सरफेस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर BA/BSc स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ बच्चों फॉलो मी, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और कॉमेंट करके जरूर बताएं मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रेश कुमार एंड वेलकम। आज हम अपने इस लेसन में करेंगे ग्रेडियंट। तो बच्चों ग्रेडियंट से जानने से पहले आपको एक ऑपरेटर का पता होना चाहिए बच्चों, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों डेल और नेबला। ठीक है बच्चों, दिस ऑपरेटर इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। दिस इज द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, दिस इज द सिंबल एंड इज कॉल्ड डेल और नेबला इज डिफाइंड एज। ये वैल्यू बच्चों आपको लर्न करनी है इसकी। डेल इक्वल टू आई कैप कर्ल बाई कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाई कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाई कर्ली जेड। बच्चों इस वैल्यू को आप अच्छे से लर्न कर लें, इसका हम बार बार इस कोर्स में पूरे कोर्स में यूज करेंगे। डेल इक्वल टू आई कैप कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाई कर्ली जेड। नेक्स्ट बच्चों हम ग्रेडियंट पढ़ेंगे। अब ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। बच्चों आपने एक चीज याद रखने की, जब भी ग्रेडियंट की बात होगी तो डेल ऑपरेटर जब भी किसी स्केलर फंक्शन पे लगेगा बच्चों, तो दैट मीन्स वो ग्रेडियंट की तरह वर्क करेगा, उसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे। तो बच्चों जिस स्केलर फंक्शन पे लगेगा दैट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। लेट फाई एक्स वाई जेड बी अ कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज रिटन एज डेल फाई और सिंपली ग्रेडियंट फाई इज डिफाइंड एज। बच्चों कैसे डिफाइंड होगा? डेल फाई इज इक्वल टू आई कैप कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाई कर्ली जेड और इंटू फाई। ठीक है बच्चों, ऑफ फाई। तो डेल फाई, अब हम फाई को सेपरेटली ले जाएंगे बच्चों सभी के साथ, आई कैप कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली फाई बाई कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली फाई बाई कर्ली जेड। तो बच्चों यहां से ये वैल्यू भी लर्न रखेंगे आप डायरेक्ट कि डेल फाई क्या होगा, I cap curly phi by curly x plus j cap curly phi by curly y plus k cap curly phi by curly z। बच्चों phi जो है separately चला जाएगा, phi का हम derivative partially x के respect में भी करेंगे, y के respect में भी करेंगे और z के respect में भी करेंगे। तो बच्चों आइए first theorem करते हैं, very important theorem है। If phi and psi आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, बच्चों नोट करेंगे फंक्शंस कैसे हैं आपके, स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डेल ऑफ फाई साई इक्वल टू फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई। बच्चों कई बार ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्रेडियंट की फॉर्म में भी लिख के देता है, कैसे कि जी आर ए डी ग्रेडियंट ऑफ फाई साई इक्वल टू फाई जी आर ए डी ग्रेडियंट ऑफ साई प्लस साई जी आर ए डी ग्रेडियंट ऑफ फाई। बच्चों ऐसे लिख के देता है आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पे बताया भी था डेफिनेशन में आपको कि आपका डेल फाई लिखा हो या जी आर ए डी, कई बार वो सिंपली जी आर ए डी फाई लिख के दे देगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दैट मीन्स वो डेल ही है आपका, डेल फाई। तो बच्चों आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये फॉर्मूला आपको क्रैम करने की नीड नहीं है, क्योंकि इस टाइप से आपने डिफरेंशिएशन में, आप जब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज डी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज डी फर्स्ट का डेरिवेटिव। बच्चों सिमिलर वे में हमारा डेल अप्लाई होता है कि फाई फर्स्ट फंक्शन एज डीज डेल साई प्लस साई एज डीज और डेल फाई। ठीक है बच्चों, इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे हम, वेरी इजी प्रूफ। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ आपको देखो, हमने लेफ्ट साइड ली कि डेल फाई साई, तो बच्चों डेल की वैल्यू लिखी मैंने आई कैप कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाई कर्ली जेड। ठीक है बच्चों, ऑफ फाई साई पे हमने इसको अप्लाई करना है। तो बच्चों जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है, जिस पे भी लगाना हो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका सेपरेटली होगा, वाई के रिस्पेक्ट में सेपरेट होगा उस फंक्शन का, और जेड के रिस्पेक्ट में सेपरेटली होगा। तो आई कैप कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ फाई साई प्लस जे कैप कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ फाई साई प्लस के कैप कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ फाई साई। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू आई कैप। अब बच्चों ये कर्ली बाई कर्ली एक्स क्या होता है, हमारा पार्शियली डेरिवेटिव, जहां बच्चों हमारा फंक्शन
वन वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल्स में हो तो बच्चों वहां पे टोटल डेरिवेटिव जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में बता दूं आपको कैसे वर्क करता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों उसको तो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी सभी जो भी उसमें वेरिएबल्स हैं उन सभी को एज अ कॉन्स्टेंट हम ट्रीट करेंगे। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अगर कहीं इनमें एक्स की टर्म्स होगी तो उसको वेरिएबल लेंगे, बाकी सभी को वाई जेड वटर एटसेट्रा जो भी होगा उसको सभी को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे बच्चों हम। तो अभी हमने सिंपली जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसका प्रोडक्ट रूल वही रहता है जो टोटल डिफरेंशिएशन में होता है बच्चों, प्रोडक्ट रूल कि फर्स्ट फंक्शन फाई एज इट इज करली साई बाई करली एक्स प्लस साई करली फाई बाई करली एक्स, फिर बच्चों प्लस जे कैप। अब हमने करना है इसका वाई के रिस्पेक्ट में बच्चों, सिमिलर रूल लगेगा आपका, फर्स्ट फंक्शन फाई एज इट इज करली साई बाई करली वाई प्लस साई एज इट इज और करली फाई बाई करली वाई बच्चों प्लस। नेक्स्ट है आपके पास के कैप फाई एज इट इज करली साई बाई करली जेड प्लस साई करली फाई बाई करली जेड, ठीक है बच्चों। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा कि यहां फर्स्ट टर्म में फाई, यहां भी आपका फर्स्ट टर्म में फाई प्रेजेंट है, यहां भी आपका फर्स्ट टर्म में आपका फाई प्रेजेंट है। तो हमने इन फर्स्ट टर्म से बच्चों क्या कॉमन लिया, फाई कॉमन लिया, तो बच्चों क्या बचा यहाँ से आई कैप करली साई बाई करली एक्स, यहाँ से बच्चों जे कैप करली साई बाई करली वाई, यहाँ से बच्चों के कैप करली साई बाई करली जेड, बाकी जो बच्चों टर्म्स बची आपके पास थ्री, यहाँ से लास्ट टर्म आपकी साई, यहाँ पे भी लास्ट टर्म में साई, यहाँ पे भी लास्ट टर्म में बच्चों साई, तो इन सभी तीनों टर्म से बच्चों हमने साई कॉमन लिया तो बचा क्या आई कैप करली फाई बाई करली एक्स लिखा है बच्चों प्लस जे कैप बच्चों करली फाई बाई करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाई करली जेड। तो बच्चों आप इस को डेफिनेशन को देखो, ऑब्जर्व करो अच्छे से, इसको हमने कहा था क्या, ये क्या बन जाएगा आपका डेल साई बन जाएगा बच्चों, और ये लास्ट वाला आप ऑब्जर्व करो बच्चों ये क्या बन रहा है आपका डायरेक्ट डेल फाई बन रहा है बच्चों। तुम्हारा प्रूव हो गया कि फाई डेल साई प्लस साई डेल। तो बच्चों नेक्स्ट थ्योरम टू है हमारे पास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दी नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इज टू बी कॉन्स्टेंट इज दैट डेल फाई इक्वल टू जीरो। बच्चों स्टेटमेंट दोबारा से रीड करता हूं मैं एक बार, कि द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई टू बी कॉन्स्टेंट इज दैट डेल फाई इक्वल टू जीरो। बच्चों मैं आपको अदर वर्ड्स बताऊं, किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई के कॉन्स्टेंट होने की आपको नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन बतानी है कि वो डेल फाई इक्वल टू जीरो होती है। बच्चों दोबारा से एक बार हम फंक्शन फाई को कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे बच्चों तो उसका ग्रेडियंट हम जीरो दिखाएंगे, एक बार बच्चों हम ग्रेडियंट जीरो लेके चलेंगे तो हम उस फंक्शन को कॉन्स्टेंट प्रूव करेंगे। तो बच्चों मैंने फर्स्टली क्या किया, वह लेट फाई बी अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, फर्स्टली मैंने फाई को कॉन्स्टेंट फंक्शन लिया बच्चों। अगर फाई कॉन्स्टेंट है बच्चों तो इसके ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव आर जीरो एंड विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल बच्चों क्या होगा, ये जीरो होगा। तो करली फाई बाई करली एक्स भी जीरो होगा, करली फाई बाई करली वाई भी जीरो होगा बच्चों, और करली फाई फाई करली जेड भी बच्चों जीरो होगा। नाउ अब हमने क्या प्रूव करना है इस केस में, जब फाई को कॉन्स्टेंट लेके चले प्रूव करना पड़ेगा कि उसका ग्रेडियंट डेल फाई जीरो हो। तो नाउ बच्चों मैंने डेल फाई की डेफिनेशन से लिखा क्या होगा, आई कैप करली फाई बाई करली एक्स ही बन जाएगा बाहर लिखा हुआ, प्लस जे कैप कर्ल बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड ऑफ फाई। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हमारा आई कैप करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाई करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाई करली जेड, बट ऑल थ्री आर जीरो, देयरफॉर डेल फाई इक्वल टू जीरो। तो बच्चों हमें यही प्रूव करना था कि हमारा डेल फाई क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए। कन्वर्सली बच्चों हम डेल फाई को जीरो लेके चलेंगे, प्रूव करेंगे कि फाई हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो बच्चों मैं लेके चला कि डेल फाई इक्वल टू जीरो, तो विच इंप्लाई डेल की वैल्यू रखी बच्चों आई कैप करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाई करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाई करली जेड, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या बन जाएगा ये, विच इंप्लाइज बच्चों इसने लिखा, विच इंप्लाइज करली फाई बाई करली एक्स इक्वल टू जीरो, करली फाई बाई करली वाई इक्वल टू जीरो एंड करली फाई बाई करली जेड इक्वल टू जीरो। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बच्चों तीन चीजें हैं आपके पास, तीनों को ऐड करके जीरो कब आएगा, जब वो सेपरेटली बच्चों जीरो हो। वाई क्योंकि बच्चों यहाँ आई कैप प्रेजेंट है बच्चों, अगर ये कोई भी नॉन जीरो टर्म होगा बच्चों तो ये तभी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं बच्चों, अगर यहाँ भी आपका माइनस का आई कैप बने। अब बच्चों यहाँ पे
जे कैप और आई कैप ये माइनस में नहीं बन सकते, दैट्स वाई हमारा एक ही पॉसिबिलिटी है तीनों का, एड जीरो तभी होगा, सम जीरो तभी होगा जब वो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली बच्चों ईच इक्वल टू जीरो। तो हमने दैट्स वाई लिखा है करली फाइव बाई करली एक्स इक्वल टू जीरो, करली फाइव बाई करली वाई इक्वल टू जीरो, करली फाइव बाई करली जेड इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फाइव का डेरिवेटिव जो है एक्स के रिस्पेक्ट में भी जीरो है, वाई के रिस्पेक्ट में भी जीरो है, जेड के रिस्पेक्ट में भी जीरो है। तो दैट्स मीन्स हमारा जो फाइव है बच्चों वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। नेक्स्ट थ्योरम बच्चों हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं, कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें शेयर करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी, आई एम रेश कुमार एंड वेलकम सोन एन अकेडमी। बच्चों आज हम उसी सीरीज में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले हम। बच्चों इसमें आपको दिया हुआ है कि इफ आर इक्वल टू मॉडुलो ऑफ आर वेक्टर, फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन प्रूव दैट डेल आर रेज टू द पावर एन इक्वल टू एन आर रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने इसके ऊपर हेडलाइन भी किया हुआ है कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसे बड़े अच्छे से करेंगे हम। तो आपको ना बच्चों ये नोट करें आपकी आर जो है आपको यहाँ पे विदाउट वेक्टर है बच्चों, और यहाँ पे वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड है उसका। वेर आर वैक्टर बच्चों ये पोजिशन वैक्टर होता है आपके पास, क्या दिया हुआ आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बच्चों अगर नहीं भी गिवन आपको तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर वैक्टर इज दिस। देन दी प्रूव दैट डेल आर एन इज इक्वल टू एन आर रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू आर वैक्टर हमें प्रूव करना है बच्चों। तो मैं सिंपली इसकी लेफ्ट साइड लेके चला कि डेल आर एन, तो बच्चों डेल की हमारी जो वैल्यू होती है क्या होती है, आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली y प्लस के कैप करली बाई करली जेड। बच्चों r रेज टू दी पावर n जो है सेपरेटली करली बाई करली x के साथ भी आएगा, करली बाई करली y के साथ भी लिखा है, और करली बाई करली जेड के साथ भी लिखना होता है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, r रेज टू दी पावर n का बच्चों डेरिवेटिव करेंगे। जो r है बच्चों हमारा एक्स वाई जेड में है बच्चों, ठीक है। तो हमारा r रेज टू दी पावर n का कहीं बच्चे करली बाई करली x करने के साथ इसका जीरो कर देते हैं, आंसर जीरो रख देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, तो जो हमारा r रेज टू दी पावर n है इसका डेरिवेटिव होगा। तो क्या डेरिवेटिव रूल होता है बच्चों, एन आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन, और फिर r का होगा करली r बाई करली x प्लस जे कैप एन आर एन माइनस वन और करली आर बाई करली वाई प्लस के कैप एन आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन, और फिर आर का बच्चों जेड के रेस्पेक्ट में करली आर बाई करली जेड। तो बच्चों अब तीनों में दिख रहा होगा आपको कि एन आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन कॉमन है, तो बच्चों ये कॉमन लिया हमने, बचा क्या आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली आर बाई करली वाई प्लस के कैप करली आर बाई करली जेड बच्चों हमारा बचा। तो बच्चों ये मैंने एस डी लिखा हुआ है एन आर रेज टू द पावर एन माइनस वन, और बच्चों करली आर बाई करली एक्स के प्लेस से मैंने लिख दिया एक्स बाई आर आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप और प्लस जेड बाई आर के कैप। ठीक है बच्चों, आइए हम अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ये देखेंगे कि करली आर बाई करली एक्स को हमने कैसे रिप्लेस किया एक्स बाई आर से। तो बच्चों इसमें ना आपको देखो गिवन था कि आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर, मीन्स इस आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्केयर और उसका होल स्केयर रूट। तो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे दोनों साइड स्केयर लिया कि आर स्केयर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्केयर। तो बच्चों यही बनेगा कि आर स्केयर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्केयर इक्वल टू बच्चों क्या बना, ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर स्केयर रूट। बच्चों स्केयर जब हमने किया वो कैंसिल आउट हो गया, तो आर स्केयर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। बच्चों मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों क्या बनेगा लेफ्ट साइड तो हमारा बनेगा
तो आर बना बच्चों, फिर आर का कर लिया, आर बाई कर लिया एक्स, इसको हम जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x, और एक्स के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेट करते हैं बच्चों एक्स को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सभी को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसका भी डेरिवेटिव 0, प्लस 0 प्लस जेड स्क्वायर का भी बच्चों क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, तो वो भी बच्चों प्लस 0, हमने उसको नहीं लिखा है, तो 2r कर लिया, r बाई कर लिया x इक्वल टू 2x, 2 से 2 बच्चों बोथ साइड्स कैंसिल विद ईच अदर, एंड कर लिया r बाई कर लिया x इक्वल टू बच्चों इस r को मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया, तो ये इधर प्रोडक्ट में इधर आके डिवाइड हो गया, तो कर लिया r बाई कर लिया x बच्चों क्या बना x बाई r। सिमिलर वे में बच्चों अगर मैं पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू y करता इसका, तो मुझे मिल जाता कर लिया r बाई कर लिया y इक्वल टू y बाई r। सिमिलरली बच्चों मैं इसका z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करता तो बच्चों मुझे मिल जाता कर लिया r बाई कर लिया z इक्वल टू z बाई r। तो बच्चों आप यहाँ से लर्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करेंगे, ये वैल्यू डायरेक्ट हम बार बार इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखेंगे कि कर लिया r बाई कर लिया x इज रिप्लेस विद x बाई r, करली आर बाई करली वाई रिप्लेस बाई वाई बाई आर, करली आर बाई करली जेड इज रिप्लेस्ड बाई जेड बाई आर। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा जो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखी हुई थी एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, अब बच्चों तीनों में क्या है आर कॉमन है बाई में, तो एन आर रेज टू द पावर एन माइनस वन एज बाई में आर बच्चों मैंने आउटसाइड निकाल दिया, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मेरा बचा, और बाई में आर बच्चों ये कॉमन आ गया, तो आर रेज टू द पावर बच्चों वन नीचे है ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, पहले से एन माइनस वन है, माइनस वन एक और होगा तो एन माइनस टू होगी बच्चों, और ये हमारा एज इज वही पोजीशन वेक्टर आ गया आर वेक्टर, यही प्रूव करना था बच्चों हमें, एन आर रेज टू द पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इफ यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, एंड w इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। इस केस में बच्चों आपको प्रूव करना है कि ग्रेडियंट u डॉट इंटू सॉरी डॉट प्रोडक्ट है आपकी, और ग्रेडियंट v क्रॉस ग्रेडियंट w क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों इक्वल टू जीरो। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पहले हम ग्रेडियंट v की और ग्रेडियंट w की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद जो सोल्व करके आएगा इनको बच्चों उनकी हम ग्रेडियंट u के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि यहाँ पे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रही है बच्चों, ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट w की। तो बच्चों इसको हम पिछली कोर्स में कर भी चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज उसको देख लें। उसमें क्या था बच्चों, जब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी होती थी तीन वेक्टर्स की, तो बच्चों उसको हम डैट फॉर्म में लिख देते थे, पहले वाले वेक्टर के बच्चों कॉम्पोनेंट हम पहली रो में लिखते थे, दूसरे वाले वैक्टर को बच्चों दूसरी रो में वैक्टर लिखते थे, और बच्चों तीसरे वाले वैक्टर के तीसरी रो में कॉम्पोनेंट हम लिख देते। तो सिमिलर सा करेंगे हम, तो पहले हम इंडिपेंडेंटली सबको ईच सेपरेटली सोल्व करते हैं, ग्रेडियंट यू फाइंड करते हैं, यू दिया हुआ है, ग्रेडियंट वी फाइंड करते हैं और ग्रेडियंट डब्ल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों पहले करते हैं हम ग्रेडियंट यू, तो ग्रेडियंट यू के लिए बच्चों मुझे मतलब डेल यू निकालना है, तो डेल की वैल्यू रखी आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जे। बच्चों यू की वैल्यू क्या गिवन है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ईच सेपरेटली सबके साथ आएगा कि करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, करली बाई करली वाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, करली बाई करली जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बच्चों इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेट करोगे आप पार्शियली, तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, वाई को कॉन्स्टेंट ट्रिएट करेंगे, जेड को भी कॉन्स्टेंट ट्रिएट करेंगे बच्चों जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से भी सिमिलर वाई के रिस्पेक्ट में वन आएगा, यहाँ से बच्चों जेड के रिस्पेक्ट में आपका वन आएगा, तो हमारे पास बचा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो बच्चों ग्रेडियंट यू हमारा आया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब बच्चों हम करते हैं ग्रेडियंट वी, ग्रेडियंट वी के लिए बच्चों हम वी की वैल्यू जो भी है उसको सेपरेटली रखेंगे सबके साथ कि करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्केयर प्लस जे कैप करली बाई ऑफ एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्केयर प्लस के कैप ऑफ करली जेड ऑफ एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्केयर। तो बच्चों यहां से जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो आएगा 2x, बच्चों वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2y, और बच्चों जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2z। तो बच्चों डायरेक्ट मेरे पास ये क्या आया है 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z j कैप 2z k कैप। बच्चों ग्रेडियंट v आ गया, ग्रेडियंट w फाइंड कर लेते हैं, ग्रेडियंट w की वैल्यू बच्चों क्या थी, w की वैल्यू रख देंगे यहां से yz plus zx plus xy सेपरेटली सबके साथ रखेंगे, तो i कैप करली बाई करली x ऑफ yz plus zx plus xy plus j कैप करली बाई y ऑफ yz plus zx plus xy plus k कैप करली बाई करली z ऑफ yz plus zx plus xy। तो बच्चों हम इसका जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसमें तो x नहीं है, तो ये
आपका जीरो हो जाएगा बच्चों इसका डेरिवेटिव। यहाँ से बच्चों एक्स है तो जेड कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन, तो यहाँ से जेड प्लस वाई आ जाएगा आई कैप। इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों जेड प्लस एक्स जे कैप आ जाएगा, इसको करेंगे बच्चों जेड के रिस्पेक्ट में तो एक्स प्लस वाई के कैप आ जाएगा बच्चों। करके देख सकते हैं इजी वे में, बिल्कुल ईजी है। तो अब हमने फाइंड करना था बच्चों ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वैक्टर्स। तो बच्चों मैंने जैसा कि बताया था आपको, पहले वाला वैक्टर ग्रेडियंट यू है, दूसरे वाला वैक्टर ग्रेडियंट वी है, तीसरे वाला वैक्टर ग्रेडियंट डब्ल्यू है। तो ग्रेडियंट यू के जो भी कंपोनेंट आए थे बच्चों उनको पहली रो में लिखे हुए, तो 1 1 1। तो बच्चों पहली रो देखो यही लिखे है 1 1 1। उसके बाद ग्रेडियंट वी के कंपोनेंट क्या थे, 2x 2y 2z। तो बच्चों सेकंड रो है 2x 2y 2z। बच्चों ग्रेडियंट डब्ल्यू के कंपोनेंट क्या है, जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। तो बच्चों अब इस अब हम डिटर्मिनेंट को सोल्व कर देंगे, क्या होगा 1 × ये वाली बच्चों इससे बनने वाला कॉलम जाएगा, इस 1 से बनने वाली रो जाएगी। तो 2y × x + y माइनस 2z × z + x माइनस 1 × ये वाला कॉलम जाएगा, ये वाली रो जाएगी बच्चों 2x × x + y माइनस 2z × z + y हो जाएगा बच्चों, प्लस 1 × 2x × z + x माइनस 2y × z + y हो जाएगा बच्चों। तो प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 2yx हो जाएगा प्लस 2y² हो जाएगा माइनस 2z x हो जाएगा बच्चों, और माइनस का 2z² हो जाएगा, ये वाला आ गया। तो इसके साथ नेक्स्ट वाले करते हैं, माइनस 2x² आ गया बच्चों, माइनस 2xy आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2z × z 2z² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रहेगा बच्चों, 2zy रहेगा प्लस का। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला 2xz हो जाएगा, 2xz हो गया, 2x की x में करेंगे 2x² हो गया, माइनस 2yz हो गया बच्चों, माइनस 2y × y माइनस 2y² हो गया बच्चों। सभी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी, तो बच्चों हमारे क्या है ओवरऑल जीरो आया बच्चों। यही हमें प्रूव करना था कि हमारा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों वेक्टर्स का क्या आ जाए, जीरो आ जाए बच्चों। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें, और मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, शेयर करें। आई एम योर एजुकेटर बच्चों, आज मैं आपके लिए इस लेसन में नेक्स्ट लेके आया हूँ ग्रेडियंट बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि आर वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे बच्चों। इसमें आपको गिवन है कि इफ आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर, वेर आर वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन बच्चों आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट डेल एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डैश आर डेल आर। सेकेंड बच्चों आपको प्रूव करना है कि डेल एफ ऑफ आर क्रॉस आर वैक्टर इक्वल टू जीरो। तो बच्चों हम पहले फर्स्ट का प्रूफ करेंगे, जैसे ही फर्स्ट का प्रूफ होगा ईजिली हमारा डेल एफ ऑफ आर निकल जाएगा, जस्ट हमने उसमें क्या करनी पड़ेगी आर वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, और वो डायरेक्ट ही आपका एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हम फर्स्टली फर्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों आर वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे आप। तो आपके सभी क्वेश्चन कंसेप्ट सेम है डेल वालों का, जितने भी ग्रेडियंट निकालना है आपने। तो मैं फाइंड करता हूँ बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में डेल एफ ओफ आर। तो डेल एफ ओफ आर क्या होगा बच्चों, हमारे डेल की जो वैल्यू होती है आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड रहती है बच्चों। और डेल के साथ हमने किसकी यहाँ पे ऑफ करना होता है, किसका प्रोडक्ट करना होता है एफ ओफ आर का। तो बच्चों ये सेपरेटली सबके साथ चला जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में भी। तो ये लिखा है हमने आई कैप करली बाई करली एक्स एफ ओफ आर प्लस जे कैप करली बाई करली वाई ऑफ एफ ओफ आर प्लस के कैप करली बाई करली जेड ऑफ एफ ओफ आर आ गया बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं बच्चों, अब एफ ओफ आर है क्या, देखो आर वेक्टर आपको पोजीशन वेक्टर दिया हो बच्चों, एफ ऑफ आर मतलब एफ जो है आर का कोई फंक्शन है, और आर का फंक्शन है तो बच्चों आर हमारा एक्स वाई जेड में है, तो जो एफ ऑफ आर है उसमें एक्स भी प्रेजेंट है, वाई भी प्रेजेंट है, जेड भी प्रेजेंट है। तो हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वाई के रिस्पेक्ट में भी इसका डेरिवेटिव होगा, जेड के रिस्पेक्ट में भी इसका डेरिवेटिव होगा बच्चों। डायरेक्ट कहीं बच्चे इसको जीरो डेरिवेटिव जीरो आंसर का देते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव इसका, जो कि नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बच्चों आर यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड में है। तो क्या होगा एफ ऑफ आर का, पहले तो एफ ऑफ आर का हमें नहीं पता है क्या है, बट ये कंफर्म है कि वो एक्स वाई जेड में कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो हम सिंपली फिर कैसे कर देते हैं बच्चों, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश आर से डिनोट किया जाता है, तो एफ का डेरिवेटिव वो बच्चों एफ डैश आर, फिर आर का होगा करली आर बाई करली एक्स प्लस सिमिलर में बच्चों चाहे वाई के रिस्पेक्ट में भी हो प्लस जे कैप, अब इसमें वाई भी प्रेजेंट हो सकता है आपका, तो एफ डैश आर और फिर आर का बच्चों करली आर बाई करली वाई प्लस के कैप बच्चों एफ डैश आर और
और फिर आर आप एफ ऑफ आर में बच्चों जेड प्रेजेंट हो सकता है, तो कर आर का फिर होगा करली आर बाई करली जेड। तो बच्चों तीनों में क्या है, एफ डैश आर कॉमन है, तो एफ डैश आर आपका कॉमन आ गया। बचा क्या, आई कैप करली आर बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली आर बाई करली वाई प्लस के कैप करली आर बाई करली जेड। तो बच्चों ये वाली चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली चीज बच्चों आपकी क्या है, यही तो डेल आर होता है बच्चों, डेल आर आ गया। तो ये क्या आ गया बच्चों, एफ डैश आर डेल आर, क्योंकि यहाँ पे आर है, आर है, आर की प्रोडक्ट हो रही है, तो हमारा आर तो बच्चों कॉमन बाहर आ जाएगा। और आई कैप कर ली बाई कर ली एक्स प्लस जे कैप कर ली बाई कर ली वाई प्लस के कैप कर ली बाई कर ली जेड, और वो बच्चों हमारा डेल ऑपरेटर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल आर। तो बच्चों फर्स्ट का प्रूफ वेरी इजी था, तो हमारा फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड के प्रूफ में बच्चों एक ही स्टेप करना पड़ेगा बस हमें। अब डेल एफ ऑफ आर की वैल्यू जो हमने यहाँ तक फाइंड की हुई है, मैं उसको लिख लेता हूं। तो एफ डैश आर बच्चों इतना तो आ ही चुका है, और करली आर बाई करली एक्स की हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी था कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू लर्न करनी है आपको, बार बार हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लें। तो करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू बच्चों आई थी, याद रखने का तरीका इसका रेसिप्रोकल होता है, एक्स बाई आर हो जाता है आई कैप, इसका वैल्यू हो जाता है वाई बाई आर जे कैप, इसका वैल्यू हो जाता है बच्चों जेड बाई आर के कैप एस डी जे हमारा। तो बच्चों यहाँ पे डेनोमिनेटर में आर कॉमन है, तो आपका एफ डैश आर बाई आर बाई वन बाई आर तो कॉमन आ गया। बचा क्या बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और बच्चों ये तो आपको दिया हुआ पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर, तो इसकी वैल्यू रख दी आपने आर वैक्टर। अब बच्चों इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आपको आर वैक्टर के साथ में, आइए करते हैं। तो डेल एफ ऑफ आर क्रॉस आर वैक्टर, बच्चों जैसे ही इसको करेंगे तो एफ डेल एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ डैश आर बाई आर आर वेक्टर, और क्रॉस आर वेक्टर करेंगे बच्चों। दो सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, ध्यान रखना आपने, जीरो होती है। टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो व्हेन दे आर सेम, बच्चों दो वेक्टर अगर आपके सेम है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू जीरो होती है। तो बच्चों सेकंड का भी प्रूफ हमारा हो चुका है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर एनी ए वैक्टर सो दैट डेल ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रिजल्ट याद भी होना चाहिए वैसे आपको, कि ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर वही है बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, लिखा भी हुआ है वेयर आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, कि ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर बच्चों ए वेक्टर ही होता है, कि पोजीशन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर के साथ की जाए और उसका ग्रेडियंट अगर हमें करना पड़ जाए तो बच्चों वही वेक्टर आंसर आ जाता है जिस वेक्टर की प्रोडक्ट होती है पोजीशन वेक्टर के साथ में, ऐसे याद रख सकते हैं इसको आप। तो उसके बाद जो ये नेक्स्ट है, कह रहा है हेंस, ये तो प्रूफ करो ही आप, इसी का यूज करके आप, हेंस का मतलब होता है बच्चों इसी का यूज करके हमने इसको करना है, कि हेंस शो दैट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू, बच्चों प्रूव करना आपको कि वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन जाए। तो आइए बच्चों इसको करते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें ए वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, तो मैं लेट करके चला कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बच्चों मैंने कंसीडर कर लिया। एंड आर वेक्टर बच्चों इसकी वैल्यू मुझे पता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बच्चों मैंने किया ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, जैसे ही ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर करेंगे बच्चों हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप वन होता है बच्चों, आई कैप डॉट जे कैप जीरो हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप बच्चों जीरो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट से मिलेगा प्रोडक्ट ए वन इंटू एक्स, तो ए वन एक्स आ जाएगा बच्चों। सेकंड के उठाएंगे जब हम तीनों के साथ करेंगे तो बच्चों जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे वन आएगा तो ए टू वाई आ जाएगा बच्चों, जे डॉट की अगेन जीरो हो जाएगा। थर्ड को उठाएंगे ए के कैप डॉट आई कैप जीरो हो गया, के कैप डॉट जे कैप भी जीरो हो गया, के कैप डॉट के कैप बच्चों वन होता है तो ए थ्री जेड आ जाएगा। तो हमारे पास ये ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर आ गया बच्चों। अब मुझे निकालना था देखो इसका ग्रेडियंट मतलब डेल, तो डेल मैंने अप्लाई किया बच्चों इसके ऊपर। तो मैंने एक ही स्टेप में क्या किया कि आई कैप करली बाई करली एक्स ऑफ दिस ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड, क्योंकि यही ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर आया था बच्चों, प्लस जे कैप करली आर बाई करली वाई ऑफ ए वन एक्स प्लस ए टू y plus a3 z plus k cap curly r by curly z of a1x plus a2y plus a3 z। तो बच्चों यहां से जब इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे क्या आएगा, a1 आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सेकंड से आएगा बच्चों a2 और j cap as it is है आपका। थर्ड से आएगा बच्चों ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो a3 आ गया, तो k cap a3। लेकिन बच्चों ये तो हमारा वही a वेक्टर आ गया, तो हमें पता लगा कि del a वेक्टर dot r वेक्टर बच्चों हमारा a वेक्टर होता है, इक्वेशन नंबर 1 हमने
इसको कंसीडर किया। तो बच्चों फर्स्ट प्रूफ जो हमने करना था इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब बच्चों ये कह रहा है कि हैंस मतलब इसी का यूज करना है आपको, तो ग्रेडियंट निकालना बच्चों इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो बच्चों मुझे ये पता है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है बच्चों, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख सकते हैं। देखो बच्चों क्योंकि हमारा ना आर ए बी बच्चों ये साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन है, देखो बच्चों मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे ए वेक्टर ए के बाद बी आ रहा है और बी, देखो आप ऐसे रख लो याद कि आर के बाद यहाँ ए है, ए के बाद बी है और बी के बाद फिर आर आएगा बच्चों, ये साइक्लिक ऑर्डर ऐसे बनता है ठीक है। तो अब जब ये साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो आप चाहे इसको ऐसे लिखें, चाहे यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना इसने, देखो इसने लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग तो ये ए बी आर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख के, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होता। देखो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, ए बी आर कहें या आर ए बी कहें एक ही बात है। तो बच्चों ए वेक्टर बी वेक्टर और आर वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो ए बी आर इसने लिखा हुआ है। तो अब मैं उसकी जगह मैंने उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, उसका दूसरा फॉर्म होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, हम उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आप इसको ऑब्जर्व करो इजीली वे में कि जो आपने अभी अभी प्रूफ करके छोड़ा है, जिस भी वेक्टर के साथ पोजीशन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है और उसका डेल लिया जाता है तो वही वेक्टर आ जाता है जिसके साथ वो पोजीशन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है। तो बच्चों यहाँ आप ऑब्जर्व करें, ये दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, एक वेक्टर ही तो आएगी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये एक वेक्टर मान लो अपने दिमाग में आप, इसके डॉट प्रोडक्ट पोजिशन वैक्टर के साथ हो रही है, उसका डेल अप्लाई हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन क्या आएगा बच्चों, यही वैक्टर आ जाएगा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो बच्चों डेल ओ ए वैक्टर बी वैक्टर आर वैक्टर क्या आ गया बच्चों, ए वैक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, वही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट वे में ऐसे ही लिख दो आपको जैसा आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट है कि ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज द वेरी इजी प्रूफ। बच्चों अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है प्लीज मुझे आप कमेंट करें, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों फॉलो करें, शेयर करें और लाइक।